जय हिंद दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार, आरसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है यूज ऑफ एलसीएम एचसीएफ एंड लॉग 10 फार्मूला। हम एमएस एक्सेल में एलसीएम एचसीएफ एंड लॉग 10 फार्मूला का प्रयोग कैसे करें, आज हम इस वीडियो में बता रहे हैं। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम पहला फार्मूला स्टार्ट करते हैं। एलसीएम, एलसीएम का पूरा नाम होता है लेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुतम समापवर्तक। हिंदी में बोलते हैं लघुतम समापवर्तक। तो चलिए यहाँ पर कोई हम वैल्यू ले लेते हैं, 10, 20, 40, यहाँ पर ले लेते हैं 30, 25, 35 और यहाँ पर ले लेते हैं 15, 18, 30। चलिए वैल्यू हम टाइप कर लिए। अब यहाँ पर फार्मूला को इस्तेमाल करना है, तो फार्मूला को इस्तेमाल करने से पहले इक्वल टू का चिन्ह लगाना ज़रूरी है। चलिए तो फार्मूला को हम इस्तेमाल करते हैं, इक्वल टू एलसीएम ब्रैकेट स्टार्ट, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट का चिन्ह है, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे और ये जो वैल्यू है इसको सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए किस प्रकार निकाल दिया, और सारा को निकालना है तो यहाँ से फिर सीरीज। अब यहाँ पर देखिए सारा को एलसीएम निकाल दिया, यहाँ एलसीएम एलसीएम निकाल आया। यहाँ पर अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं 5 एंटर, यहाँ पर अगर कर देते हैं 20, यहाँ पर कर देते हैं 12, तो देखिए किस प्रकार चेंज हो गया। अगर यहाँ कर देते हैं 4 और यहाँ 2, तो देख रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार चेंज हो रहा है। यहाँ पर करते हैं 200, 400, 500, तो देखिए यहाँ पर 2000 एलसीएम निकल आया। तो इस प्रकार हम इस फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं एलसीएम। अब यहाँ पर अगला फार्मूला है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका हिंदी होता है महत्तम समापवर्तक। यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं 20, 15, 70, 21, 25, 32, 15, 17, 23। चलिए यहाँ पर हम फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ के जगह फार्मूला में जीसीडी लिखा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर इक्वल टू जीसीडी ब्रैकेट स्टार्ट और इसको सेलेक्ट, ए वैल्यू को क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ लिख दिया C9 अनुपात E9, यानी कहने का मतलब है कि C कॉलम में मेरा 20 वैल्यू है, 9 रो के सामने है, यहाँ पर लास्टिंग लिख रहा है E9, यानी E कॉलम और 9 रो को इंडिकेट कर रहा है।
ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर बटन प्रेस। तो यहाँ पर देखिए इसका इसका एच सी एफ वन आया, तो सारा को निकालना है तो फिल सीरीज करा देंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यू को चेंज करते हैं 80, 28, 33, बने रहेगा 50। अब देखिए यहाँ पर दो, यहाँ पर हम चेंज करते हैं 60, यहाँ पर इसका आ रहा है 5 एच सी एफ, यहाँ पर हम चेंज करते हैं 45, यहाँ बने रहेगा। तो समझ में आ गया होगा कि एच सी एफ एल सी एम कैसे निकालें। अब यहाँ पर लॉग 10 है, इसका पूरा नाम होता है लॉगरिथमिक। यहाँ पर मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए हम 100 लिख दिए, 1000। यहाँ पर लॉग 10 निकालना है, यहाँ पर इक्वल टू एल ओ जी लॉग 10 और ब्रैकेट को स्टार्ट वैल्यू सेलेक्ट, यानी ब्रैकेट स्टार्ट करके 100 वैल्यू को हम सेलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट को क्लोज एंटर। तो देखिए यहाँ पर दो रिजल्ट आया, इसको ड्रा कर देंगे, 3 रिजल्ट आ गया। कहने का मतलब है कि पावर का काम करता है लॉग 10, एक तरह का पावर ही है। लॉग 10 क्या है? पावर है, यानी 100 10 का पावर 2 बराबर 100, 10 गुने 10 बराबर 100। यहाँ पर मान लेते हैं कि 10 गुने 10 करेंगे तो 100, और 10 गुने 10 गुने 10, यानी कहने का मतलब है कि 10 गुने 10 गुने 10 ये बराबर 1000, यानी ये पावर है। लॉग 10 क्या है? पावर है, यानी 10 का पावर 3 बराबर 1000। तो 1000 वैल्यू है, तो यहाँ पर 3 रिजल्ट दिया। 100 है, अगर 10 का पावर 2 रहेगा तो 100 आएगा, 10 का पावर 3 रहेगा तो 1000 आएगा। समझ गए कि एलसीएम एचसीएफ और लॉग 10 एमएस एक्सेल में कैसे प्रयोग किया जाता है। अगर ये वीडियो समझ में आ गया दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।